आज मैं बना रही हूँ झारखंड का बहुत ही फेमस रेसिपी धुसका। ये धुसका नाश्ते में खाए जाने वाला रेसिपी है और इसको आलू चने की सब्जी या आलू टमाटर के सब्जी के साथ सर्व किया जाता है। तो मैं बना रही हूँ आलू चने के सब्जी के साथ। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है कांति जी किचन में। एक कटोरी मैंने चावल लिया है, मोटा वाला चावल है, और एक कटोरी चने का दाल और आधा कटोरी मैंने उड़द का दाल लिया है जो छिलका उतरा वाला धोई। तो तीनों को एक साथ अब एक कटोरे में ले लेंगे और इसको पानी डाल करके अच्छे से 3 से 4 बार धो लेंगे। तो अच्छे से मसल मसल के धो करके और इसका पानी निकाल देंगे और उसमें फिर से दोबारा पानी डाल करके और इसे रात भर के लिए या 5 से 6 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। तो चलिए अभी दाल भीगने के लिए रख देते हैं चावल। और फिर अब यहाँ पे ये देखिए, दाल चावल रात भर के लिए हमने छोड़ दिया था और अच्छे से बहुत फूल गया है, क्योंकि इसको फूलने के लिए पूरा समय मिल गया और अच्छे से चावल भीग गया है। और अब हम इसका पानी निकाल लेंगे और इसको मिक्सी जार में डाल करके पीस लेंगे। तो चलिए दाल चावल को पीस लेते हैं। अब मिक्सी जार में आधा दाल चावल ले लेंगे, क्योंकि जार छोटा है तो इसको 2 बार में पीसेंगे। तो आधा मैंने ले लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों, अगर पानी ज़्यादा ऐड करेंगे तो चावल बारीक नहीं पीसेगा। बहुत थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच के करीब पानी डाल करके पीस लिया है। और ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल मैं दिखा दूँ ऐसे ही होना चाहिए, ना तो बहुत पतला है ना बहुत गाढ़ा है। और ये देखिए, चावल इतना बारीक पीस गया है, दाल चावल एकदम चिकना और काफ़ी स्मूथ पीसा है। तो इस तरह से मिक्सी को रुक रुक के चलाते हुए बारीक पीसना है। और चलिए इसे एक बोल में निकाल देते हैं और दूसरा बैच भी पीस लेते हैं इसी तरह से। तो चलिए दूसरा बैच भी पीस के तैयार है, इसे निकाल लेंगे बोल में। और अब इसमें इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे फर्मेंटेशन के लिए। तो जब तक ये फर्मेंट हो रहा है तब तक आलू चने की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चना भिगा करके रखा हुआ है पहले से। तो भिगा हुआ चना लिया है और 2 कटा हुआ आलू और 2 प्याज काट करके लिया है मैंने, और 1 बड़े साइज़ का टमाटर काट लिया है। तो अब हम गैस पे कुकर गरम करेंगे, उसमें तेल गरम करेंगे और 1 तेज़पत्ता और 1/2 चम्मच जीरा डाल करके लाल कर लेंगे। और फिर बारीक कटा वाला प्याज डालेंगे। तो जैसे ही प्याज हल्का सा पिंक हो जाएगा, हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा, तब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। और फिर से अब ब्राउन होने तक प्याज को भून लेंगे, हल्का सा गोल्डन होने तक। तो जब तक प्याज भून रहा है अदरक लहसुन के साथ, तब तक मसाले निकाल लेते हैं। तो 1 कटोरी में हमने 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, और यहाँ पे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है। तो मसालों में बस इतना ही मसाले डालने हैं, आप मसाले अपने हिसाब से ले सकते हैं। और उसमें पानी डाल करके भिगा देंगे। तो चलिए अब प्याज ब्राउन हो गया है, अब इसमें मसाले डालकर भूनेंगे। तो थोड़ा सा मसाला डालने के बाद पानी ऐड कर देंगे, इससे मसाले जलेंगे नहीं। और आराम से 1 से 2 मिनट लगेगा, मसालों को धीमे आंच पे भून लेंगे। मसाले भून चुके हैं, अब टमाटर ऐड करेंगे और टमाटर को नमक के साथ भूनेंगे। तो मैंने नमक पूरा यहीं पर ऐड कर दिया है। और अब टमाटर को भी ऊपर से कुकर का ढक्कन लगा देंगे, ऊपर से ही मैंने रखा है, प्रेशर नहीं लगाया है। और बस टमाटर जैसे ही गल जाएंगे तो इसमें ऐड कर देंगे आलू और मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद अब ऐड करेंगे चना, तो भीगा वाला चना ऐड कर देंगे और आलू चने को भी 2 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे। और उसके बाद से इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो आलू चना भी भून चुका है मसालों के साथ, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, और तेल भी रिलीज हो गया है। अब पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल पानी ऐड कर दिया है 1 गिलास के करीब, जितना ग्रेवी रखना हो आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर लें। और बस ढक्कन लगा करके और 2 सीटी आने तक पका लेंगे, और 2 सीटी के बाद 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे।
उससे चना अच्छे से गल जाएगा। और उसके बाद गैस बंद कर देंगे और फिर खोल करके चेक करेंगे। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं 10 मिनट बाद। ये देखिए चना बहुत अच्छे से गल गया है और इसमें अब धनिया पत्ती मिला देंगे और एक हरी मिर्ची हमने ऊपर से चीरा लगा के डाल दिया है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा क्योंकि लाल मिर्ची हमने बहुत कम डाली थी। और मिक्स करके और चलिए अब एक बोल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आलू चने की सब्जी बनके तैयार है। अब अपना धुसका के लिए बैटर चेक कर लेते हैं। तो बैटर भी यहाँ बहुत अच्छे से 2 घंटे में फर्मेंट हो चुका है। इसमें ना कोई इनो डालना है और ना ही खाने वाला सोडा। ऐसे ही बस 2 घंटे रखने से बहुत अच्छा फर्मेंट हो गया है। और इसमें अदरक और लहसुन और मिर्चे की मैंने पेस्ट डाली है, 2 हरी मिर्च और 8 से 10 लहसुन लिया है और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक लेकर के पेस्ट बना लिया था। दोस्तों इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अजवाइन थोड़ा सा डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हींग डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिलाते हुए 2-3 मिनट इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा हींग ऐड कर दिया है और सभी को अब मिला लेंगे और इसको 2-3 मिनट अच्छे से फेंटेंगे जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। हल्दी से कलर बहुत अच्छा आ जाएगा और बाकी के मसालों से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए बस मैंने बहुत ज़रा सा पानी ऐड कर दिया है, थोड़ा थिक लग रहा था फर्मेंटेशन होने के बाद। तो 1 चम्मच के करीब पानी डाल के और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो धुसका के लिए बैटर यहाँ पे रेडी है। अब चलिए गैस पे पैन में तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं। एक साइड हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है पहले से ही। और ये देखिए इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है और फेंटने के बाद से अब गर्म तेल में करछिल से एक ही जगह पे डालना है। दोस्तों ये अपने आप आकार ले लेता है, इस तरह से इधर उधर नहीं डालना है। जिस तरह मालपुए का बैटर डालते हैं ना, सेम उसी तरह डालना है। और ये देखिए तो किस तरह बैलून के तरह से फूल गया है एकदम से। और ये देखिए डालते ही एकदम गुब्बारे के तरह से फूल करके ऊपर आ गया। इसी तरह से जगह बना लेंगे और एक साथ एक बार में जितना उसमें आ पाएगा, आपके डिपेंड करता है पैन के ऊपर। तो मेरा पैन छोटा ही है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, तो इसमें 4 धुसका एक साथ बना है। और ये फ्राई करके उलट पलट के निकाल लेंगे। तो लीजिए दोस्तों झारखंड का फेमस धुसका बन के तैयार है। इसे आलू चने के सब्जी के साथ सर्व करेंगे और आप लोग भी बनाइए, खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।